अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आप देख रहे हैं पैसा कमाओ, मेरा नाम है मथुरू भाई। आपने क्रिप्टो स्टार्ट कर दी तो आपके पास बहुत सारे मंजन भेजने वाले आएंगे कि हमसे क्रिप्टो के सिग्नल लें। हम डेली के आपको 10 सिग्नल देंगे, डेली के 5 सिग्नल देंगे, आप ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, और एंड पे आप उन्हीं सिग्नल से लॉस करके बैठे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बगैर सिग्नल के कैसे ट्रेड करना है क्रिप्टो को, और बगैर सिग्नल के ट्रेड कैसे होती है। सबसे पहले तो वो आपको ये बताते हैं कि बगैर सिग्नल के ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपनी आपसे फीस निकलवाना चाह रहे हैं। $10 लें, $20 लें, $50 की फीस ले रहे हैं पर मंथ। आप क्रिप्टो को बगैर सिग्नल के ट्रेड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहां जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे मैं बाइनेंस को ओपन करूंगा। बाइनेंस ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा मेन पेज ओपन होगा बाइनेंस का। यहाँ पे आपने ये आपको मोर नज़र आ रहा होगा, इस मोर के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। रिफ्रेश कर लेते हैं बाइनेंस को। आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा BTC 0 फीस का। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने इसको ओपन कर लेना है। BTC के कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि BTC USDT, BTC BUSD, BTC TUSD, BTC के काफ़ी सारे पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं कॉइन्स के साथ। तो कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें बाइनेंस अलाउ करता है आपको कि इसमें ट्रेडिंग फीस नहीं कट होगी। अब BTC मौजूदा जो करंट चल रही है, BTC TUSDT, ये फ्री पेयर है। आपने इस पेयर को ओपन कर लेना है। अब आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, हमें TUSDT में, हमने उनको TUSDT में कन्वर्ट करना है। तो आप दो लाइंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे जो भी फ्री का कॉइन होगा, जो भी फ्री पेयर चल रहा होगा। आज से 2 माह बाद ये चेंज हो जाएगा, 2 माह बाद फिर चेंज हो जाएगा, फिर शायद USDT में फ्री फ्री का पेयर आ जाए। तो इसमें परेशानी होना, ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। स्टेबल कॉइन्स में सबकी प्राइस सेम रहती है, यानी कि एक TUSD एक USDT यानी कि $1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे अब TUSD सर्च करता हूँ। TUSD सर्च करने के बाद ये देखें, मेरे सामने पहले नंबर पे आ गया TUSD USDT। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे जो पास जो USDT पड़े हुए हैं उनको मैं TUSDT में कन्वर्ट कर लूँगा। हमारे पास जो USDT पड़े होंगे हमने उसको TUSD में कन्वर्ट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम जाके, जो हमें $100 चाहिए तो हम यहाँ पे जाके $100 लिख लेते हैं, यानी कि हमने $100 को 100 TUSD में कन्वर्ट करके इसको बाई पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉलर जो है TUSD में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास, मैंने पहले से ये परचेज करके रखे हुए हैं, तो अब हमने BTC TUSD पेयर में ओपन कर लेना है। अब क्या चीज़ मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि आपने बगैर सिग्नल के किस तरह अर्न करना है, किसी को फॉलो किए बगैर, सिर्फ अपने सेंस के साथ। यहाँ पे आपने सेंस के साथ बैठना है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे ग्राफ को ओपन करता हूँ। ग्राफ को मैंने ओपन कर लिया, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दिखानी है। मैंने ग्राफ को ओपन करके मैंने 1 मिनट की कैंडल ओपन की है। हम इसे 15 मिनट की कैंडल ओपन कर लेते हैं या 1 घंटे की ओपन कर लें। तो अब एक चीज आप नोट करें कि BTC यहाँ पे हर 15 मिनट के अंदर कितनी मूवमेंट कर रहा है हर कैंडल के ऊपर, ये आप देख लें। आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं एक जगह आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, लास्ट कैंडल पे BTC ने लो मारा है 29,212 से, BTC हाई गया है 29,234 के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट BTC ग्रीन कैंडल बना रहा है, BTC अब फिर रहा है 29,238 के ऊपर। तो हमने क्या करना है अभी, क्योंकि वीकेंड है, वोलेटिलिटी कम है मार्केट के अंदर, अमूमन BTC डेली में जो मूवमेंट दिखा रहा होता है अपनी, वो 29,200 से 29,300 तक इजीली मूव करेगा, यानी कि $100 की मूवमेंट दिखा रहा होगा। हमने इसी $100 में अपना प्रॉफिट निकालना है। अब आपको जो सिग्नल गुरुज जो बेच रहे हैं मंजन अपना, अगर वो कोई वीडियो देखेगा आके तो वो कहेगा जी आप गलत गाइड कर रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से इसी स्कीम के मुताबिक क्रिप्टो कर रहा हूँ, किसी को फॉलो नहीं किया। आपको थोड़ा सा ग्राफ की सेंस होनी चाहिए। क्या सेंस होनी चाहिए, 1 मिनट की कैंडल ओपन कर लेता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है। अब मैं यहाँ पे परचेज नहीं करूँगा, मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा 29,200 के ऊपर, कि BTC 29,200 पे आएगा तो मेरी यहाँ पे परचेजिंग हो जाएगी, और जिस तरह BTC 29,250 या 300 पे जाएगा वहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। ये अपनी बाय 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 ऑर्डर और सेल लिमिट जो है, सेल TP जो है वो खुद बनानी है। उसके लिए आप मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि BTC इस तरह विक्स बना रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसमें क्या आपकी ट्रेड फंस सकती है? बिल्कुल आपकी ट्रेड फंस सकती है, लेकिन वो इतनी नहीं फंसेगी कि आपका $50 का लॉस एक ट्रेड में कर दे, $100 का लॉस एक ट्रेड में कर दे। क्यों? उसकी वजह यह है कि BTC बहुत जल्द रिकवर करता है। हमने सिर्फ ट्रेड करनी है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो आप इसके लिए RSI भी कैंडल यूज कर सकते हैं। RSI का एक सिंपल सा असूल यह है कि RSI जब आपका
25 से कम हो या 2500 तो आपने परचेजिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने यहाँ भी डीसीए की को मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जांपल एक एंट्री मैंने बनाई 29,200 पे, दूसरी में बनाऊंगा 29,050 पे, तीसरी में बनाऊंगा 28,900 पे। अब जब ये इतना नहीं होता बीटीसी के 4 घंटों में सिर्फ डाउन ट्रेंड ही आपको शो करे, एक दफा वो रिलीफ रैली अबव लाजमी लेता है, उसमें हमारा जो ट्रेड होगी वो निकल जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब आरएसआई जब हमारी 29 से 25 से कम हो तो हमने परचेजिंग करनी है, और आरएसआई जब हमारी 60 से अबव हो तो हमने सेलिंग कर देनी है। अब 1 मिनट की कैंडल के ऊपर आप देख ले आरएसआई 86 या 87 पे चल रही है इस वक्त, तो मैं वेट करूंगा कि ये 29,200 या 29,150 की तरफ मूव करे तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा अपनी। तो अब मैंने यहाँ पे 29,180 पे मैंने अपनी लिमिट लगा दी $100 की, 100 TUSD या डॉलर भी कह ले आप, मैंने बाय लगा दी। अब ये परचेज हो जाएगा मेरा नेक्स्ट 3 to 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के बाद परचेज हो जाएगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया। मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपको पेपर ट्रेड भी आप इससे कर सकते हैं। $100 का मैंने BTC परचेज किया, 29,150 के 100 सॉरी 80 के ऊपर मैंने लिमिट लगाई है, तो मेरे पास 0.00342 BTC आ जाएंगे। अब मैंने इसको सेल कब करना है, मैंने इसको सेल करना है 29,250 के ऊपर। अच्छा, मैंने $100 इन्वेस्ट किया था, मुझे जो प्रॉफिट आएगा इसमें 0.23 आएगा। अच्छा, अब आप अगर क्रिप्टो आप 1 माह से या 2 माह से कर रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि BTC $100 की मूवमेंट इसके लिए नॉर्मल सी बात है, और दिन में कोई ये 1000 मरतबा इतनी मूवमेंट करता है। हमने सिर्फ सेंस के साथ इस $100 की मूवमेंट के साथ अब मैंने 0.23 की जो अपनी है एक प्रॉफिट कमाया है एक ट्रेड के साथ $100 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर मैं डेली की यहाँ पे 10 ट्रेड ऐसी लगा लेता हूँ तो और इजीली आप लगा सकते हैं 10 ट्रेड इजीली लगा सकते हैं। पहले स्टार्ट करें इसको 4 से 5 दिन या 1 वीक जो है आप पेपर के ऊपर करें, साथ में बाइनेंस को खोल के रखें और पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड में मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक, आप पेपर ट्रेड करें जब आपको एक्सपर्ट आपकी एक्सपर्टीज आ जाए उसके ऊपर, तो फिर आप इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे आके शुरू कर देंगे तो आप इजीली प्रॉफिट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 ट्रेड इजीली नॉर्मल सी बात है आपके लिए, आप 20 भी लगा सकते हैं, 10 ट्रेड लगाता हूँ डेली की, $2.3 अब डॉलर का रेट चला है 290, यानी कि ₹700 या ₹650 मैं इजीली अर्न कर सकता हूँ 30,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ डेली सिर्फ BTC को ट्रेड करते हुए। और मैं इसको कहता हूँ विदाउट रिस्क है, आपका विदाउट रिस्क है, क्योंकि आप हिस्ट्री चेक कर लेना BTC की, ग्राफ के ऊपर जाके हिस्ट्री चेक करेंगे BTC कहाँ पे मूव कर रहा है। इसके लिए आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, जो फ्री के ग्रुप हैं वहाँ पे BTC की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, या आपको खुद भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे BTC किस जगह से बैक टू बैक मूव कर रहा है। मैं 4 आवर की कैंडल ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि BTC पिछले एक हफ्ते पे यहाँ से सपोर्ट पकड़ रहा है, यहाँ से सपोर्ट पकड़ रहा है, यहाँ से सपोर्ट पकड़ रहा है, और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये जो वॉल्यूम बन रहा है इसका, ये तकरीबन $500 का बन रहा है, इस $500 में ये डेली मूव कर रहा है, और डेली कोई 100 दफ़ा इस $500 के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है, इसी अप एंड डाउन में हमने अपना प्रॉफिट कमाना है। आप स्टार्ट इस तरह करें, किसी सिग्नल गुरु को फाइनल आप फॉलो ना करें, किसी को $70 $100 $200 $20 $25 $10 मंथली फीस ना दे, ये हराम का पैसा नहीं है जो हमें इनको दे रहे। अगर एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अगर ये इतना आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि मैंने ट्रेड में $300 को प्रॉफिट करवा दिया, अगर ये इतने ही आपको प्रॉफिट करवाने वाले लगते तो ये क्यों $10-10 या $20-20 की फीस इकट्ठी कर रहे होते, क्यों $10-10 के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे होते कि हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। मकसद ये है कि ये कोई ट्रेड नहीं करते, बस ऐसे सिग्नल बना के आपको दे दिया, लॉस हुआ आपका हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका हुआ, बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप क्या कर लेंगे। तो ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में एक टेक्निक या ट्रिक समझ आ गई होगी, इसको पहले आपने पेपर पे ट्राई करना है, पेपर ट्रेडिंग के बाद आपने इसको इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, और इंशाल्लाह आप इस पे प्रॉफिट अर्न करेंगे, गेन करेंगे। और एक चीज़, अगर आप इसमें कहीं फंस जाएं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मेरी एक ट्रेड 30,400 के ऊपर फंसी हुई है, ये मैं ना थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, मैं इसको लुक आफ्टर नहीं कर सका। आपने इसको प्रॉपर लुक आफ्टर करना होता है, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद बाइनेंस को ओपन करके देखना कि BTC कहाँ से मूव कर रहा है, किधर जा रहा है, और उसके बाद अपने TPs चेंज करते रहना है साथ साथ। अगर आपको लॉस हो रहा है, BTC डाउन ट्रेंड पर जा रहा है, आप DCA करके जल्दी से अपने अमाउंट को निकाल दें। मैं इसको ना ट्रैवल कर रहा था, इसको लुक आफ्टर नहीं कर सका, तो मेरी ये 30,400 के ऊपर ट्रेड फंसी हुई है, लेकिन मैंने इसको सेल नहीं किया, ट्रेड किया। आप डेट एंड टाइम भी चेक कर सकते हैं,
21 अप्रैल की फंसी हुई है, मैंने इसको सेल नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने इसको प्रॉफिट में सेल करना है। क्यों भाई? मेरा स्पोर्ट के अंदर है, मैं कौन सा फ्यूचर कर रहा हूँ, कौन से मेरे कॉइन्स कम हो रहे हैं, स्पोर्ट के अंदर है। बीटीसी ने 30,000 31,500 तक इजीली जाना ही जाना है, आज नहीं कल परसों, एक हफ्ते बाद, एक माह बाद, तो मैं क्यों लॉस में $2 या $1 के लॉस में इसको सेल करूँ? तो ये ट्रिक आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो मुझे बता दें कि आपने ये बात गलत की है, तो ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं आपसे भी सीख सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जुड़े रहिए।